माय चैनल सुपर क्लासिक गर्ल्स। सो गाइस, आज मैंने ट्राई किया है न्यू प्रोडक्ट, उससे मैंने क्रिएट किया है ये लुक। अगर ये वीडियो अच्छी लगे, ये लुक अच्छा लगे, इस वीडियो आखिरी तक देखिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि मैं जो भी नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ अब तक आसानी से पहुंच। प्रोडक्ट जो मैंने लाइफ में कभी यूज नहीं किया है और ना ही मैंने उसकी अनबॉक्सिंग की है, ठीक है। तो गाइस, मैंने कोई भी मेकअप नहीं किया है। गाइस, क्या क्या प्रोडक्ट है और जो मैंने अभी ओपन भी नहीं किया है, जैसा कि मैंने बताया, एक प्रोडक्ट ऐसा है जो मैं बहुत यूज की हूँ, बट क्योंकि मैंने नया खरीदा था गाइस, तो डेफिनेटली मैंने सोचा कि मैं इसमें इंक्लूड कर लूँ। टाइम इसके हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो प्रोडक्ट है वो है ये एलोवेरा जेल। अनबॉक्सिंग क्या बोलूं, अगर आपने मेरा मिस्ट्री बॉक्स वाला वीडियो नहीं देखा है तो मैं लिंक दे दूंगी, आप जरूर चेक कर लीजिएगा, उसमें से मुझे ये मिला था। तो इसकी पैकेजिंग मैंने ओपन नहीं की है, आपके सामने ही ओपन करके मैं इसे यूज करूंगी, ठीक है। तो यस, ये ओपन हो चुका है। इसकी स्मेल कैसी है, थोड़ा सा ही मैंने लिया है, टांग में लग गई। इसको हल्का हल्का फेस पे लगा लूंगी, इसको एज अ मॉइस्चराइजर मैं यूज कर लेती हूँ, ठीक है। गाइस, मुझे क्लियर दिख नहीं रहा है, कोई भी स्मेल नहीं है, बहुत ही मतलब सिंपल लग रहा है, चिप 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 चिप, जैसे ओरिजिनल वाला नहीं होता है वैसा कुछ लग रहा है। तो गाइस, ये मैंने लगा लिया, और जो नेक्स्ट है वो है गाइस ये टोनर। गाइस, ये भी प्लम का है जो मैंने यूज नहीं किया था। इसमें एक चीज मुझे नहीं अच्छी लगी, इसमें स्मेल अच्छी है काफ़ी, ये स्प्रे फॉर्म में नहीं है, ठीक है। और टोनर स्प्रे फॉर्म में रहता तो ज़्यादा अच्छा रहता है, और ये स्प्रे फॉर्म में नहीं है, आपको इसके लिए कॉटन पैड की जरूरत पड़ेगी, उसमें आप टिप करके फिर ये ट्राई कर लीजिए। गाइस, जो नेक्स्ट है वो है ये मस्कारा, नहीं सॉरी, ये है आईलाइनर, ये है काजल। तो सबसे पहले हम लगाएंगे आईलाइनर पहले लगाएं कि बाद में लगाते हैं गाइस। तो ये है काजल, तो पहले काजल लगा ले रही हूँ, तो मैं इसकी अनबॉक्सिंग भी कर दूं, है ना गाइज। सी गाइज, ये मैं आपके सामने ही ओपन कर रही हूँ। सी गाइज, ये है फेसेस कनाडा का, ऑब्वियस सी बात है, कुछ ना कुछ अफोर्डेबल। गाइज, बहुत लोग सोच रहे होंगे कि मैं प्राइस नहीं लिखती, सेल प्राइस नहीं लिखती, तो गाइज जो प्राइस होता है उतने का तो कभी मिलता ही नहीं है, और जो सेल प्राइस होता है वो बढ़ता रहता है, कभी बढ़ जाता है कभी घट जाता है, तो मैं किसके अकॉर्डिंग लिखूँ, मैं ये कन्फ्यूज हो जाती हूँ थोड़ा सा, तो इसलिए मैं अभी कम कर दी हूँ। अगर आप लोग बोलेंगे तो डेफिनेटली मैं लिख दूंगी, कोई इशू नहीं है। और सी गाइज, और ये मैं फर्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ, वाओ काफ़ी अच्छा स्मूथ है। इसके लिए यहाँ पे ये यूज़ कर रही हूँ, कैमरे में तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, हो गया ख़राब ये इसमें लग गए। गाइज, खोलते ही काजल मेरा इसमें लग गया, और ये आधा काजल टूट, कुछ ना कुछ होने ही लगता है। इसी काजल ना मस्त है एकदम, बहुत अच्छा है, एक ही स्ट्रोक में आपको ना बहुत डार्क मिल जाएगा, तो काफी अच्छा है। मैं इसका प्राइस बताते ही चलूं, अगर है तो इसमें नहीं होगा मेंशन, इसमें होगा आई थिंक, इसका प्राइस मेंशन है 179, उतने का मिलता नहीं है, तो डोंट वरी, इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, 179 लिखा है तो उतने का ही मिलेगा। गाइस, आईलाइनर रख दिया क्योंकि मैं आईज का मेकअप करूंगी, इसके बाद में आप लोगों को आईलाइनर दिखाऊंगी, ठीक है, तो इसलिए मैंने आईलाइनर रख दिया। और सी गाइज, ये है फिटमी का, इसका जो प्राइस है गाइज वो है 499, मैं बता ही दे रही हूँ, को यूज़ कर ले रही हूँ, फर्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ, अभी तक मैंने इसको ओपन भी नहीं किया। कुछ प्रोडक्ट जो है वो सेल लगी थी तो बहुत ही अच्छे प्राइस में मिल गया था, तो डेफिनेटली वो वीडियो जो मैंने बनाया है आप लोग चेक कर लीजिएगा, बहुत ही आपको हो जाएगी। ओ, इसका जो प्राइमर है ना गाइज, वाइट कलर का, मतलब ट्रांसपेरेंट प्राइमर नहीं है ये थोड़ा क्रीम। गाइज, अगर आप कोई भी प्रोडक्ट यूज कीजिए फर्स्ट टाइम तो पैच टेस्ट जरूर कीजिए, मैं नहीं कर रही हूँ क्योंकि आप लोगों के सामने एक लुक क्रिएट करना है, बट इसीलिए मैं थोड़े थोड़े प्रोडक्ट लगा रही हूँ, बट आप लोग जरूर पैच टेस्ट कीजिएगा, ठीक है गाइज। जैसे आप देख रहे हैं, ये मेरा कॉम्पैक्ट, मेरा फेवरेट, सी गाइज, है ना गाइज। जो नेक्स्ट है वो है ये स्विस ब्यूटी का। मैंने बोला था स्टार्टिंग में मैं एक प्रोडक्ट ऐड करूंगी जो मैं बहुत यूज की हूँ, क्योंकि मैंने इसे अभी ओपन नहीं किया था, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसमें इंक्लूड करके ओपन करके ट्राई कर लूँ। तो गाइज, इसका जो प्राइस है वो है 349। ये थोड़ा सा मैं इसको ओपन कर ले रही हूँ, है ना, और ये काफी अच्छा होता है, इस पर ऑलरेडी मैंने रिव्यू दिया है, डेफिनेटली वो जरूर वीडियो देखेगा और उसके बारे में ना आपको पता चल जाएगा, फिर आप ना कह ही नहीं सकते हैं, इतना मैं इसको अच्छा बता रही हूँ ना कि स्विस ब्यूटी वालों को स्पॉन्सर्ड कर देना चाहिए मेरा वीडियो, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है अभी। तो
गाइज। और जो पंप है ना गाइज, ये भी चेंज हुआ है। जो पहले इसकी पैकेजिंग थी ना, वो थोड़ा सा व्हाइट में था। मुझे लग रहा है वो वाला ही है। गाइज आप देख रहे हो, मैं बहुत थोड़ा थोड़ा ही लगा रही हूँ। तो गाइज इसको मैं अच्छे से अप्लाई कर ले रही हूँ। यस, ये लग चुका है, इज गुड। तो यस, उसके बाद अब जो नेक्स्ट है गाइज, देखिए ये इसमें थोड़े से सामान बचे हुए हैं, इसको भी मैं आप लोगों से शेयर ही कर रही हूँ। मैं लूंगी ये फिट मी का, ठीक है। और गाइज एक चीज और बता दूं कि आपको किसी भी प्रोडक्ट पे रिव्यू चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। गाइज इनमें से जो भी प्रोडक्ट है मैं उसका रिव्यू लेकर आऊंगी। तो इसको ओपन करती हूँ, अभी तक मैंने इसको भी नहीं ओपन किया। जितने भी प्रोडक्ट है गाइज मैंने कभी ट्राई नहीं किए और फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ, ओपन तक नहीं किया था। सी, यहाँ से ऐसे होता है, ओपन हो जाओ। सी गाइज, ये ऐसे ओपन होता है, आप देख रहे हो। ये सी 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 सी, ये प्रोडक्ट आपको अगर दिख रहा हो। और गाइज इसको यूज करने के लिए मैं यहाँ यूज करूंगी स्विस ब्यूटी का प्रोडक्ट ब्रश, नॉट प्रोडक्ट। तो ये बहुत ही प्यारा है गाइज, इस पर रिव्यू चाहिए तो डेफिनेटली आप एक बार जरूर बताएं। बहुत इसके ब्रिसल्स बड़े सही लगते हैं मुझे। और इसको क्या करना है, इसको ऐसे ऐसे करना पड़ेगा मुझे लग रहा है। हाँ, ऑब्वियस ही बात है। सी गाइज, ऐसे शेक करेंगे ना तो ये अपने आप बाहर आ जाएगा। वाओ, इसके ब्रश ना बड़े गजब के हैं। सी गाइज, है ना। बहुत सही ब्रश लगे गाइज मुझे, बहुत सही। प्रॉपर मैंने फाउंडेशन कंसीलर ऐसा भी कुछ नहीं लगाया है, इसलिए थोड़ा सा ना फेस भीगा भीगा सा लग रहा है ना। बाकी गाइज बहुत सही लगा, और ये मेरी स्किन टोन पे भी जा रहा है तो मुझे ज़्यादा खुशी हुई, क्योंकि मेन चीज़ होता है ना आपकी स्किन टोन। सी गाइज, आपको कुछ नहीं करना है, इसके बाद ऐसे रैप कर दो। और इसका जो बॉक्स था ऊपर का, ठीक है, जो उसका बॉक्स, इसको फिर हम ऐसे करके लगा लिया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है वो है ये फिट मी गाइज। अगर आप लूज पाउडर नहीं बाय कर सकते, ठीक है, आप लूज पाउडर जो मैंने अभी फिट मी का दिखाया वो बहुत कॉस्टली होता है, तो अगर आप वो नहीं बाय कर सकते तो आप ये बाय कर लीजिएगा। इसका जो प्राइस है वो है, इसमें प्राइस नहीं मेंशन हुआ है, इसके साइड में हुआ होगा, ये बॉक्स पे हुआ है। तो ये 199 का है, हमेशा अफोर्डेबल में मिलेगा, कहीं पे भी देखेंगे, पर्पल पे, जिस पे भी आपका मन। और गाइस सी, इसका शेड है और शीशे, तो वाह। तो मैं थोड़ा सा ना इसको भी ट्राई कर ले रही हूँ, क्योंकि ये वीडियो ही है ट्राई करने का, ट्राइंग माय न्यू प्रोडक्ट। सो यस, थोड़ा सा मुझे ना ये डार्क टोन लग रहा है, डार्क है, फाउंडेशन नहीं लगाया ना, तो ये थोड़ा सा प्रॉपर पता नहीं हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मुझे तो कैमरे में कुछ दिख नहीं रहा है, बट स्टिल मेरा ही काम आएगा। बट गाइज प्रोडक्ट तो बेटर है ही है, मैबलिन का है, मैबलिन का तो ऑब्वियस ही बात है प्रोडक्ट बहुत सही होता है। इसके साथ आपको स्पंज मिलता है, अगर आपके पास ब्रश नहीं है तो आप ये इससे काम चला सकते हैं। गाइज अगर आप बिगनर्स हो और अफोर्डेबल में जाना चाहते तो ये ब्रश गाइज मस्त है, बहुत प्यारा लग रहा है देखने में, तो प्यारा है ही है, काम भी बहुत सही कर रहा है, सॉफ्ट सॉफ्ट एकदम। अब जो नेक्स्ट है वो लिपस्टिक गाइज, ये लिपस्टिक ओपन हुई थी क्योंकि मैंने इसका स्वैच दिया था हॉल में, और इसका जो शेड है वो है हॉट न्यूड। तो इसको मैं लगा ले, मैं इसकी हेल्प से लगाऊंगी क्योंकि मुझे प्रॉपर दिख रहा है, बहुत प्यारा शेड है ये। बहुत ना स्मूथ चल रही है ये, पर कुछ जला जला टाइप नहीं आती है, वैसे वैसी महक आ रही है, पता नहीं अजीब सी आ रही है। लिपस्टिक लगा ली है तो बहुत ही प्यारा शेड लग रहा है। तो अब जो नेक्स्ट है वो है हमारा ये गाइज, नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो न्यू नहीं है, वो पुराना है, बट मैं इसलिए इसको यूज कर रही हूँ क्योंकि मुझे ये ब्रश की चीजें यूज करनी थी, इसलिए मैंने इसको यूज किया। तो मैं यहाँ पे लूंगी एक गाइज ये मैं ले रही हूँ ब्लेंडिंग ब्रश, ये मैं शेड ले रही हूँ हल्का सा, बस ये चेक करना है, इसलिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ ये वाला शेड, ठीक है। शेड का नाम है ब्रिक, और इसको डस्ट ऑफ करके हल्का सा सी गाइज लगा हुआ है,
आती है। पता नहीं ये कलर पे ऑफ करेगा कि नहीं करेगा, बिकॉज मैंने कोई भी कंसीलर या फिर कोई भी कॉम्पैक्ट नहीं लगाया है। इसको चेक करने के लिए लगा रही थी, ये अमेजिंग है। और मुझे पर्सनली गाइस स्विस ब्यूटी का प्रोडक्ट बहुत पसंद है, और स्विस ब्यूटी वालों को मुझे स्पॉन्सर्ड करना चाहिए क्योंकि मैं सारे उन्हीं का बताती हूँ ज़्यादातर, ठीक है। तो गाइस ये मैंने लगा लिया, इसका जो चेक करना था ट्राई करना था काफ़ी अच्छा। थोड़ा सा गोल्डन लगा ले रही हूँ, सी ज़्यादा मुझे प्यारा लगता है ये गोल्डन बीच में लगाना, क्योंकि गाइस इतना स्वेट हो चुका है ना फेस पे कि ये एकदम चिपक जा रही चीज़ है ना हल्का सा। अब जब लुक क्रिएट ही कर रही हो तो थोड़ा ढंग से कर लो, ठीक है। ये हो चुका है, और क्योंकि ये ब्रश मुझे ट्राई करना था इसलिए मैंने ये आई शेडो पैलेट यूज़ किया, पुराना था, न्यू नहीं था, न्यू कोई लिया ही नहीं था। वो है ये दो आईलाइनर है, और ये है मस्कारा जो मुझे फ्री मिला था, ये भी ये नहीं फ्री मिला था आई थिंक, तो इसको भी मैं आपके सामने ही ओपन कर रही हूँ। सी गाइज इसका जो प्राइस है वो है 249, सस्ता ही मिलता है गाइज। और सी गाइज ये मैंने कभी यूज़ नहीं किया है, लेट्स सी क्या होता है, देखते हैं क्या होता है। इसको पे इतनी मेहनत लग रही है, सो वाओ इसका जो ये देखिए तो मैं ऐसे लगाऊंगी। गाइज आप पैच टेस्ट ज़रूर कीजिएगा, डेफिनेटली फर्स्ट टाइम लगाएंगे तो, और कैमरे में बहुत दिक्कत होती है। बहुत ही पतला, जिनको पतले आईलाइनर पसंद है ना गाइस एक बार ये ट्राई जरूर। सी गाइस तो ये है फेसेस कनाडा का, और अगर आप पतले लाइनर लगाते हैं ना बहुत पतला, तो ये मुझे लग रहा बहुत प्यारा होने वाला है आपके लिए। कारा ये मुझे फ्री मिला था, कारा इसको हम अच्छे से ओपन करके मैं बता रही हूँ, ठीक है। तो मैं ओपन कर ले रही हूँ, यहाँ छोटा सा लिखा होगा अगर आप दिख रहे हैं हाइपरकर मस्कारा, ठीक है। तो ये कैसा है मैं इसको ट्राई करती हूँ। तो गाइज जो हाइपो कर्ल है वही मस्कारा है ये। तो गाइज ये वीडियो कैसी लगी जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि मैं जो भी नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ आप तक आसानी से पहुंच जाए।